हेलो स्टूडेंट दिस इज योर वंडरफुल चैनल एस डी ट्यूटोरियल है आई एम सोनी एंड आई विल टीच यू फिजिक्स ऑफ क्लास इलेवन सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विदाउट एनी डिले दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन एस वर्मा में बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन करके दे रखा है और एन की बुक्स में इट इज चैप्टर टू और यूनिट एंड मेजरमेंट करके दे रखा है तो जो एन सी एन की बुक को फॉलो करते हैं वो बच्चे कंफ्यूज ना हो सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ यूनिट अट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटीज ओके पहले आप लिख लेते हैं हम लोग फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ओके अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज मैंने ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्वांटिटीज इन तीनों वर्ड्स को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है जिससे कि मैं आप इसको अच्छे से समझें ओके okay? तो सबसे पहले हम किस चीज को समझेंगे इसका पहले मतलब क्या है क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड की हमें जरूरत पड़ती है वो है यूनिट तो हमें क्वांटिटीज कौन सी हैं जिनको हमें मेजर करना है उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं क्वांटिटीज कितने पहले आप हेडिंग डाल लीजिए क्वांटिटीज एक सब हेडिंग डाल लीजिए क्वांटिटीज क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स ओके फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज पहले ये लिख लें फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं विच कैन बी मेजर फॉर एग्जाम्पल जो क्वांटिटी मेजरेबल हैं उनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं जैसे कि लेंथ लेंथ को आप मेजर कर सकते हो स्केल है आपके पास ओके एरिया एरिया को हम आप मेजर कर सकते हो फॉर्मूला होता है लिंटू भी इसी तरीके से वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो सेकेंड वन इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज तो वो हो गई भाई जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई विच कैन नॉट बी मेजर्ड ठीक है विच कैन नॉट बी मेजर जिनको हम मेजर नहीं कर सकते और वैसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता बहुत सारी क्वांटिटीज हैं यार जैसे कि किसी की महानता इसको मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते तो चलो हम इसमें एग्जाम्पल में लिख देते हैं किसी के गुस्से को मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते ये भी हमने इसमें एग्जाम्पल में लिख लेते हैं विशेष को कर सकते हो नहीं कर सकते तो ये ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते तो वो किस कैटेगरी में आती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं ओके okay? तो हम स्टार्ट ये इसी को ही ज्यादा पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को सब उससे भी पहले हम ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है मेजरमेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इन तीनों को हमने बॉक्स में बंद किया था क्वांटिटीज को तो हमने पढ़ लिया है अब ये स्टैंडर्ड क्या है मेजरमेंट क्या है उनको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले फिर हम किससे स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से ओके तो अपनी दूसरी हेडिंग डाल लो मेजरमेंट को समझने के लिए अब मेजरमेंट जो है वो हम किस तरीके से करते हैं मेजरमेंट हम करते हैं सो कंपेरिजन के थ्रू या तो ड्राइव फॉर्मूले के थ्रू आप मेजरमेंट कर सकते हो कंपेरिजन के थ्रू कैसे करोगे कंपैरिजन के थ्रू जैसे आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से कंपेयर कर सकते हो ठीक है या फिर आपके पास कोई मास होगा आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो लेट्स टेक एन एग्जांपल सपोज आप सब्जी वाले के पास गए ठीक है सब्जी वाले के पास आप जाते हो और आप उसको उसे बोलते हो कि वन किलो पोटैटोस दे दो आलू लेने गए ठीक है आलू लेने जाते हो अब उसने पांच आलू चढ़ाए जितने भी चढ़ाए तो इन पांच आलूओं का जो वेट है वो वन के जी है वो आपको कैसे पता चला ऐसे पता चला ना यहाँ पर एक निडल टाइप या कांटा टाइप होता है वो बीच में जब आ जाता है तो ये इधर उधर इधर उधर होना जब तक ये क्योलीबेरियम पे नहीं आ जाता ये एक तरीके से क्या प्रोसेस है कंपैरिजन का प्रोसेस है तभी तो आप है न समझ पाए ना कि ये पांच आलू का वेट कितना है वन के जी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपैरिजन जैसे कि हमें पता चल पाया मेजर हम कर पाए कि इन आलूओं का जो वेट है वो कितना है वन के जी सिंपल है और बाकी फिर दूसरा प्रोसेस मेजर करने का किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दूसरा प्रोसेस है ड्राइव्ड फॉर्मूले जैसे कि सपोज आपको एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होता है एल एन टू बी तभी आप किसी की किसी अरे किसी की लंबाई पता है चौड़ाई का पता है तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू तो एक दूसरा प्रोसेस आपका किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो दो प्रोसेस हैं अब हम पढ़ेंगे ये जो हमने जो हमने ऊपर डेफिनेशन में में स्टैंडर्ड बॉक्स बंद किया था उसके बारे में स्टैंडर्ड क्या है हम इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं पोटैटो वाले सपोज आपको ये नहीं पता वन के जी वेट टू के जी वेट ये सब नहीं किसी ने ये मान के चल रहा है कोई कि ये जो एक ईंट ले ली ठीक है उस अकॉर्डिंग जब आलू उसने ना मेजर किए कंपेयर किए ठीक है, है तो चढ़े तीन आलू ओके फिर दूसरे वाले ने अगर जब है थोड़ा बड़ा ईंटा ले लिया तो उसमें चढ़ते हैं आपको पांच आलू तो आपको कैसे पता चलेगा भाई ये एक उसने बोल दे इसको भी एक किलो ये बोल रहा है ये भी एक किलो ठीक है सेम शेप है ये मत सोचना कि भाई एक इसमें शायद बड़े बड़े चढ़ाए होंगे ठीक है तो शे, शेप है ना कहना मैं वही है अभी यहाँ पर शेप समझ वो सेम ही मान के चल लो आप ठीक है तो यहाँ पर तीन और यहाँ पर पांच तो बेमानी किसने करी कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा ना हमें इसीलिए ताकि इस तरीके की हरकतें ना कर पाए तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बनाए गए ठीक है जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ को मेजर करने के लिए बनाया गया ठीक है फिजिकल लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए ठीक है मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया टाइम को इसी तरीके से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए जिनको जैसे जिनको हम यूज करते जैसे यूनिट के जैसे लेंथ जो है इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर मीटर भी होती है बहुत सारी है पढ़ेंगे बाद में ठीक है इसी तरह मास एक स्टैंडर्ड बना दे कि किलोग्राम पे ना मेजर करना है उसमें उसके थ्रू मेजर करना ठीक है थीके? ये एक स्टैंडर्ड हो गया ठीक है तो इस तरीके का ये हो गए तुम्हारे आपके यूनिट्स के स्टैंडर्ड ओके मेजरमेंट क्वांटिटी सो तो आपको पूरी डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई हो क्या है कि यूनिट इज इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ठीक है सिंपल है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसी कौन कौन सी ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना नहीं है ठीक है क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसके लिए ओके हम इसके बारे में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं ओके सो लेट स्टार्ट तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से ठीक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं पता है नहीं भी पता तो चलेगा क्योंकि यहां बताने के लिए ही बैठे हुए हैं ओके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थ्री यस फर्स्ट वन इज फंडामेंटल सेकेंड वन इज ड्राइव थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री ठीक है तो पहले मैं लिख ओके? Okay? तो मैंने पे तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिख लिया है फिजिकल फंडामें फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेकंड वन इज ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे समझेंगे फंडामेंटल से क्या मतलब है अरे जिस मैथ्स जिस में जीरो वन टू थ्री डॉट 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 नाइन तक नंबर्स होते हैं उसके उसी नंबर्स पर डिपेंडेंट होती हमारी पूरी मैथ्स ओके okay? पूरी मैथमेटिक्स हमारी इसी इन नंबरों पर डिपेंडेंट होती है पहले बचपन में यही तो पढ़ा था इसी तरीके से फिजिक्स में टोटल सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनसे फिर पूरी फिजिक्स में जो आगे जो हमारी क्वांटिटीज आएंगी वो सारी इस पर डिपेंड होती हैं ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो देर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैं यहाँ पर पूरा आपको चार्ट बनाऊंगी जो आपको फिर पूरा समझ में आ जाएगा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है ओके okay? ये हमारी टोटल सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम दूसरे नाम से बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से भी बोल सकते हैं तो जैसे लेंथ है लेंथ की एसआई SI यूनिट क्या है मीटर है इसका सिंबल एम मास किलोग्राम के जी टाइम सेकेंड एज एम इलेक्ट्रिक करंट इसको पढ़ेंगे आप आगे ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए टेम्परेचर कैल्विन ये क्या लिख दिया कैल्विन और इसका कैल्विन का के सिंबल उठा लिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल इसका ऐसा यूनिट क्या है मोल इसका सिंबल एमओ एल लिखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनट इंटेंसिटी क्या होती है जो भी हमारे जो भी लाइट से हमारे फेस पर रिफ्लेक्शन uh, होता है लाइट हमारे फेस पर जो भी पड़ रही है वो क्या है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ये हमारी वो मेजर मेजर की जाती है ठीक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत है उसकी यूनिट क्या है कैंडेला ओके okay? ये तो हमारी हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसकी इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती

मिलकर बनी है किसी से तो ये किससे मिलकर बनी होगी हाँ ऑफकोर्स उससे मिलकर बनी होगी किससे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जैसे मैंने बोला ना मैथ्स में ना सारे जीरो वन टू थ्री अब जैसे ट्वेल्व नंबर बना है तो वन टू से मिलकर बना ना ये ड्राइव फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हो मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एफ पी क्यू लिख दे रही हूँ okay? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे हो गया एल बी इनटू एच किसी बंद कमरे का आपको है ना वॉल्यूम फाइंड आउट करना तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों लिखो तो इन सब की यूनिट ये भी लेंथ इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो ठीक है इसकी भी मीटर है इसके भी ये तो एल इन टू बी इंटू एच ये तुम्हारा क्या हो गया इससे हमने ड्राइव कर लिया फॉर्मूला ठीक है एल एन टू बी इंटू एच इसी तरीके से एरिया वेलोसिटी ठीक है ये सब हम किससे फाइंड आउट करते हैं इससे फंडामेंटल कॉन्ट एल इन टू बी वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर इसका सेकेंड तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गया ड्राइव में हो गई हमारी फ, फोर्स अब फोर्स इसकी आपको यूनिट पता होगी न्यूटन तो आप क्या बोलोगे ये फंडामेंटल है नहीं पहले इसका फॉर्मूला देखो फोर्स का फॉर्मूला एम एन टू एम को कैसे लिखोगे मास की मास की है किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो ये इसका यूनिट हो गया इसी तरीके से जूल जूल किसकी है वर्क की ठीक है तो क्या अब ये ये हमारी फंडामेंटल हो जाएगी नहीं ये भी ड्राइव्ड है कैसे एफ एन टू डी से एफ की क्या लिखी मैंने अभी ऊपर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा फिर डी डी क्या है डिस्टेंस सेकेंड तो सेकेंड सेकेंड तो इसका यूनिट क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो ये सब हमारी क्वांटिटीज कौन सी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज मैंने फिर आपको थर्ड वन कौन सी बताई थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो थर्ड वन हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं ओनली टू टू यस प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल प्लेन एंगल क्या है अरे ज्योमेट्री में बहुत पढ़ा होगा टेंथ क्लास में ही पढ़ा होगा किस तरीके से था कि ये ऐसे लाइन अगर आपने थर्टी डिग्री का एंगल बना दिया ये क्या था तब आपका आपने से प्रोटेक्टर से बनाते थे ना तो ये थर्टी डिग्री तो आप पेपर पे बना रहे थे ना तो उसको क्या बोलते हैं टू जो, है जो एंगल है वो हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल 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 इस इस तरीके से आपने कर कर लिया लिया अब को फाइंड आउट कैसे करना होता है वो आपको पता है वो तो आपने इंस्ट्रूमेंट था प्रोटेक्टर था तो आपने डायरेक्टली वो कर लिया था सपोज इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला होता है ठीक है ये ये जो ये जो आर्क है इसका फॉर्मला सपोज करो ये एंगल है थीटा थीटा इज इक्वल टू आर्क 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 मतलब ये डिस्टेंस इन दोनों का इन दोनों का ये जो डिस्टेंस इस तरीके से आर्क अपॉन ये जो रेडियस है ये डिस्टेंस जो है इसको आर कंसिडर कर लिया तो ठीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इसके थ्रू आप प्लेन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो ओके इसका यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट रेडियन यहां पर तो डिग्री में लिखते थे तो यहां पर हम एस SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम आपको एसआई SI यूनिट के अकॉर्डिंग फिजिक्स में चलना है तो पहले तो अब इसका कन्वर्जन फिर आप कैसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे पता है वन डिग्री इज इक्वल टू पाई ठीक है पाई या वन एटी डिग्री ओके इस तरीके से आपको पाई बाई वन एटी ठीक है पाई बाई वन एटी ओके ये आपका हो गया प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है सॉलिड एंगल जैसे कि ये कोन है आपका ठीक है ये आपका कोन है ये जो थ्री डी एंगल होता है ना ये थ्री डी एंगल ये आपने इसको कंसिडर कर लो ओमेगा ओमेगा और ये जो एरिया है ठीक है ये जो एरिया है और ये जो रेडियस है इसको कंसिडर करना समझ में आ रहा है ना कोन का जो थ्री एंगल है चारों तरफ ठीक है और ये कोन जितना एरिया सर्कल में कवर कर रहा है वो और ये रेडियस तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ये जो आर है टोटल ये आर स्क्वायर इसका यूनिट क्या होता है स्टे रेडियन ठीक है इसका यूनिट आपका क्या है स्टे रेडियन तो यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है सो इन द नेक्स्ट वीडियो पहले हाँ मैं आपको ये बता दूँ ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये कैसी हैं? डायमेंशन लेस हैं डायमेंशन क्या है डायमेंशन लेस का क्या मतलब हो गया अभी आगे हम चैप्टर मैं आप पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन आगे इसके बारे में तो वो इन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशन सो आपको जो भी क्वेरी है या जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हो मैं उसके आपको रिप्लाई कर दूँगा और इसके जो नोट्स हैंड रिटेन नोट्स वो आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर